हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हेल्दी टेक्स बाय अमू। आज हम देखेंगे एक पॉपुलर गुजराती डिश मुठिया। तो हम बनाएंगे मल्टीग्रेन दूधी मुठिया। तो चलिए देखते हैं ये हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। मल्टीग्रेन दूधी मुठिया बनाने के लिए पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल में मैं ऐड करूँगी 1 कप दूधी या फिर लौकी। तो अब हम हाथों को तेल से ग्रीस कर लेते हैं और इस तरह से थोड़ा सा आटे का पोर्शन लेंगे और इसे राउंड करते हुए मुठिया बना लेंगे। तो इसे इस तरह से रोल करते हुए ऐसे शेप दे देंगे और मुठिया तैयार कर लेंगे। तो हम बाकी आटे का भी इस तरह से मुठिया बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से मुठिया के रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो मैंने अपना स्टीमर रेडी रखा है, तो अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं 20 मिनट के लिए। तो मुठिया स्टीम हो गए हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से टूथपिक को इंसर्ट करके आप चेक कर लें। तो देखिए डो स्टिक नहीं हो रहा है, मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे थोड़ी देर रख के ठंडा कर लेते हैं और फिर इसे हम कट करेंगे। तो अब मुठिया को तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने लिया है पैन और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वाइट सेसमी सीड्स या फिर सफ़ेद तिल। इसे अच्छा से रोस्ट कर लेते हैं।